हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिनय और आप लोग देख रहे हो बिनय टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ हाउ टू फिल सरेंडर फॉर्म ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। आप लोग कैसे अपना पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को सरेंडर कर सकते हो, वो फॉर्म आप लोग कैसे भरोगे, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर सरेंडर ऑफ पोस्टल और रूरल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये जो फॉर्म है ये आप लोग पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी यूज कर सकते हो और रूरल लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी यूज कर सकते हो। आप लोग को अगर सरेंडर करना है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या फिर रूरल लाइफ इंश्योरेंस, आप लोग को ये फॉर्म भरना है और पोस्ट ऑफिस में जमा कर देना है और आपका पॉलिसी जो है सरेंडर हो जाएगा। और वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और आप लोग को पूरा फुल डिटेल में पता चल जाएगा कैसे आप लोग भर सकते हो ये फॉर्म को और आप लोग ये फॉर्म इजिली भर सकते हो। तो चलिए फॉर्म बनना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिटेल ऑफ पॉलिसी टू बी सरेंडर, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पॉलिसी नंबर। यहाँ पे आप लोग को पॉलिसी नंबर एंटर करना है, जो भी पॉलिसी आप लोग लिए हो, चाहे वो रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस लिए हो या फिर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी आप लोग लिए हो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिसी नंबर एंटर करना है और फिर सम एश्योर्ड, जो भी सम एश्योर्ड है यहाँ पे आप लोग को लिखना है। लेट से मैं यहाँ पे 1,00,000 लिख रहा हूँ। फिर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जो भी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है यहाँ पे लिख देना है। डेट ऑफ मैच्योरिटी, जो भी डेट ऑफ मैच्योरिटी था यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। फिर नेम ऑफ इंश्योरेंट, आप लोग को मिस्टर मिसेस मिस यहाँ पे टिक करना है। फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम आप लोग को एंटर करना है। और फिर कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे आप लोग को देना है। अगर आप लोग विलेज से बिलोंग करते हो तो विलेज का नाम लिखना है। तालुका कोई है तो यहाँ पे तालुका लिखना है। फिर यहाँ पे आप लोग को सिटी का नाम देना है। फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है। फिर स्टेट का नाम देना है। फिर कंट्री का नाम देना है। फिर पिन कोड देना है। और यहाँ पे अगर पॉलिसी के ऊपर कोई लोन लिए हो आप लोग, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लोन का डिटेल यहाँ पे आप लोग को देना है। सैंक्शन डेट, किस दिन सैंक्शन हुआ था लोन यहाँ पे आप लोग को देना है। अमाउंट ऑफ लोन, कितना लोन लिए हो वो यहाँ पे देना है। डेट ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन, जो भी डेट है यहाँ पे लिख देना है। अगर आप लोग लोन लिए हो तो ये वाला पार्ट भरना है, अगर नहीं है तो ये वाला पार्ट आप लोग स्ट्राइक आउट कर सकते हो। रीजन और सर्कमस्टेंसेस फॉर सरेंडरिंग पॉलिसी, यहाँ पे आप लोग कुछ भी दे सकते हो, लाइक हेल्थ इशू या फिर एजुकेशन या फिर कुछ भी आप लोग दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैं दे रहा हूँ हेल्थ इशू। फिर नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस, इफ इट इज ए सब ऑफिस राइट द नेम ऑफ द हेड ऑफिस एज वेल एट विच द पेमेंट इज डिजायर्ड, ठीक है। तो अगर आपका पोस्ट ऑफिस सब ऑफिस है तो यहाँ पे आप लोग को सब ऑफिस का नाम देना है और उसके साथ हेड ऑफिस का भी नाम आप लोग को इंक्लूड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपने एरिया में जहाँ पे आप लोग पोस्ट ऑफिस ओपन किए हो, तो अगर सब ऑफिस है तो यहाँ पे एंटर करना है सब ऑफिस का नाम, और अगर हेड पोस्ट ऑफिस है तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली हेड पोस्ट ऑफिस का नाम इधर आप लोग एंटर कर सकते हो। सेवेंथ में, फॉर पेमेंट ऑफ सरेंडर वैल्यू थ्रू चेक प्लीज़ प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर पोस्ट ऑफिस और बैंक अकाउंट। आप लोग जहाँ पे सरेंडर वैल्यू लेना चाहते हो वो डिटेल यहाँ पे भरना है। लाइक यहाँ पे अगर आप लोग बैंक में चाहते हो तो बैंक का डिटेल सब भरना है, अगर आप लोग पोस्ट ऑफिस में चाहते हो तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का डिटेल भरना है। तो मैं यहाँ पे बैंक में चाहता हूँ तो बैंक का अकाउंट नंबर देना है। फिर नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस और बैंक जो भी है देना है। फिर ब्रांच नेम, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर ड्यूरिंग लास्ट सिक्स मंथ, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उनका सब डिटेल यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ड्रॉइंग और डिसबर्सिंग ऑफिसर है तो यहाँ पे जो लास्ट सिक्स मंथ के हैं उनका डिटेल यहाँ पे सब रहेगा, ठीक है। फिर नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस हायर प्रीमियम और पेड ड्यूरिंग लास्ट सिक्स मंथ, जो भी पोस्ट ऑफिस का नाम था यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। फिर डेट दे देना है। फिर सिग्नेचर ऑफ द इंश्योरेंट, यहाँ पे सिग्नेचर करवाना है इंश्योरेंट का। फिर यहाँ पे नेम, फोन नंबर, ऑफिस, रेसिडेंट, यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे देना होगा आप लोग को। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग को लेना है। आप लोग को ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट लेना है। फिर लोन रिपेमेंट रिसिप्ट बुक रिलेटिंग टू द प्रीवियस लोन, अगर आप लोग लोन लिए हो पॉलिसी के रिगार्डिंग तो यहाँ पे आप लोग को रिसिप्ट बुक भी लेना है। प्रीमियम रिसिप्ट बुक, यहाँ पे प्रीमियम रिसिप्ट बुक भी आप लोग को लेना है, जिसमें आप लोग हर महीना कुछ ना कुछ प्रीमियम देते हो, वो रिसिप्ट बुक आप लोग को लेना है। सर्टिफिकेट ऑफ पेड डिसबर्सिंग ऑफिसर रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ प्रीमियम फ्रॉम पेड फॉर द लास्ट सिक्स मंथ, तो ये सब आप लोग को डॉक्यूमेंट लेना है। और उसके साथ आप लोग को आधार कार्ड, पैन कार्ड, ओरिजिनल प्लस जेरोक्स आप लोग को लेके जाना है। तो ये था एप्लीकेशन फॉर सरेंडर ऑफ पोस्टल और रूरल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा, प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिनायटेक। थैंक यू।